भारत में 59 चाइनीज मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध के बाद भारतीय मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलपर्स की एक तरह से लॉटरी लग गई है। रोजाना अब नए नए एप्स बनाने में की होड़ लग गई है। वैसे भारतीय इस मौके को एक अवसर के रूप में भी ले सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशनों को बैन करने के बाद अब भारतीय मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स की चांदी हो गई है। ऐसे में हर रोज मार्केट में कई भारतीय मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल यूजर को लुभाने के लिए एक दूसरे से बेहतर होने का दावा ठोक रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम बड़े मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर का कहना है कि ये पहला मौका आया है जब भारत सरकार भारतीय मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर का मनोबल बढ़ा रही है। साथ ही भारतीय मोबाइल एप्लीकेशन यूजर भी इंडियन मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करने के लिए काफी उत्साहित है। देखिए, चाइनीज ऐप्स के बैन होने के बाद काफ़ी सारी इंडियन ऐप्स हैं जो कि अभी आई हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, उनके लिए अच्छा कंटेंट, उनके लिए अच्छा एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड कर रही हैं। स्पेशली ट्रेल के साथ हमने देखा है कि हमें पिछले 48 आवर्स के अंदर 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। 1 लाख से ज़्यादा कॉन्टेंट क्रिएटर्स चाइनीज ऐप से ट्रेल पे माइग्रेट हो चुके हैं एंड दे आर यूजिंग इट एक्टिवली टू बिल्ड देयर ऑडियंस ऑन दीज इंडियन ऐप्स। सो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर एनी इंडियन स्टार्टअप और अ टीम टू बिल्ड रियल सोल्यूशंस फॉर ऑल दीज पीपल हु आर ट्राइंग टू माइग्रेट फ्रॉम दीज चाइनीज ऐप्स टू इंडियन ऐप्स। एक मोबाइल एप्लीकेशन के को फाउंडर का कहना है कि भारत में 600 मिलियन से ज्यादा मोबाइल एप्लीकेशन यूजर हैं। ऐसे में हर रोज लाखों यूजर चाइनीज एप्लीकेशन से इंडियन एप्लीकेशन पर ट्रांसफर हो रही है। ऐसे में इंडियन एप्लीकेशन डेवलपर्स के पास मौका है कि वो ऐसी एप्लीकेशन बनाए जो भारतीय मोबाइल यूजर पसंद करें। बहुत बड़ा मौका आया है, वो ये आया है कि हम एक ऐसा कंटेंट स्टार्टअप बनाएं, वो एक ऐसा कंटेंट प्रोडक्ट बनाएं जो कि इंडियंस देखें और जिससे हमारी क्रिएटिविटी को, जिससे इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन सबको बहुत मौका मिले। भारत में बड़ी संख्या में इंडियन मोबाइल एप्लीकेशन मार्केट में आने के बाद टिकटॉक स्टार रही मोनिका वर्मा ने केंद्र सरकार से अपील की है। मोनिका वर्मा का कहना है कि भारत सरकार कुछ इंडियन मोबाइल एप्लीकेशन का सिक्योरिटी ऑडिट करवा कर सर्टिफाइड करे जिससे इंडियन मोबाइल यूजर्स को ये पता लग पाए कि कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन सुरक्षित है और कौन सी नहीं, या फिर भारत सरकार कुछ सरकारी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करे जिससे भारतीय यूजर बेफिक्र होकर उसका इस्तेमाल कर सके। एक यूजर होने के नाते बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि किस ऐप पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं, क्योंकि हैकर्स भी हैं मार्केट में जो कि आपके डेटा को हैक कर लेते हैं। तो ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सा ऐप सिक्योर है और कौन सा नहीं। तो मैं चाहूँगी सरकार से ये कहना कि जो ये ऐप्स अवेलेबल हैं मार्केट में, इनका सिक्योरिटी ऑडिट करवाकर इनको सर्टिफाइड किया जाए, और या फिर एक ऐसा सरकारी ऐप लॉन्च किया जाए जिस पर जो लोग हैं, जो हमारी जनता है, वो उस पर पूरा भरोसा कर सके कि हाँ, हमारा जो डेटा है वो वहाँ सिक्योर है। बहरहाल भारत में जहाँ बड़ी संख्या में इंडियन मोबाइल एप्लीकेशन मार्केट में आ रही हैं, तो वही दूसरी तरफ हैकर्स भी एक्टिव हो गए हैं। ऐसे में मोबाइल यूजर्स के दिमाग में ये सवाल है कि अगर वे इंडियन मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं उनके फोन में मौजूद उनका डाटा चोरी तो नहीं हो जाएगा। दिव्यांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।